वेलकम ऑल ऑफ यू क्लास थर्ड यूनिट सेकेंड एंड चैप्टर नंबर 3 आवर नीड। आवर नीड में हम पहले पढ़ेंगे एयर। एयर यानी हवा, वायु। तो हम देखेंगे कि कैसे एयर यानी हवा हमारे लिए ज़रूरी है, कैसे वो पॉल्यूटेड हो रही है, हमें इसको कैसे रोकना है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वेपर एक्सेट्रा। एयर यानी हवा क्या होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि होती है। हमारे सामने यहाँ पर एक पिक्चर है, इसमें क्या क्या है, साइकिल, बॉय, टॉय, स्पैन, टेबल, चेयर, पॉट। तो इन सबको तो हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। वी ऑल आर एबल टू सी ऑल दिस थिंग्स बट वी कांट सी द एयर। देखिए, हम इन सभी को फिजिकली देख पा रहे हैं, इन सारी वस्तुओं को हम देख सकते हैं, बट एयर यानी हवा जो है उसे हम देख नहीं सकते, केवल हम उसे महसूस कर सकते हैं। थॉट, वी आर अनएबल टू सी द एयर, हम एयर को नहीं देख सकते। We certainly can feel it when it move, और हम इसे feel कर सकते हैं। The moving air is called wind, और जो चलती सुहावनी सी हवा होती है उसे हम विंड कहते हैं। हमने देखा होगा कई बार जब हम समुद्र के किनारे जाते हैं, बाहर जाते हैं खुले वातावरण में, तो हम देखते हैं ठंडी हवा चल रही है, गर्म हवा चल रही है। हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने इसे feel किया, एयर को हम feel करते हैं। Why is air important? Air यानी हवा जरूरी क्यों होती है? All living things need air to breathe. सारे जो भी जीवित प्राणी हैं सभी को वायु की जरूरत होती है। Without air, बिना हवा के, they would all die, और वे सभी मर जाएंगे। So air is the most important thing for us. Air, हवा हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। बिना सांस के क्या हम जिंदा रह पाएंगे, नहीं। हमारी नीड यानी आवश्यकताओं में हवा भी एक तत्व है, और जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए बिना एयर के हम सर्वाइव नहीं कर सकते। अब देखिए, हवा, जैसे हम जो भी हवा ले रहे हैं वो शुद्ध होनी चाहिए, एयर अच्छी होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम ब्रीथिंग वी यूज़ एयर फॉर वेरियस अदर पर्पस। देखिए, हवा सांस लेने के अलावा और भी कई जगह में उपयोग में आती है, जैसे हमने अपने आसपास आपने देखा होगा फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बलून्स और रनिंग विंडमिल्स, यानी जो कई प्रकार की बॉल वगैरह होती है उन सभी में अंदर क्या भरी हुई होती है, एयर। आपने साइकिल के टायर देखे, बाइक में जो टायर होते हैं उसमें भी क्या होती है, एयर। उस एयर को हम फिल करते हैं, यानी उसमें भरते हैं अंदर एयर को। इसके अलावा जो खुली जगह होती है, जैसे जैसलमेर की तरफ जब हम चलते हैं वहाँ पे विंड मिल होती है यानी पवन चक्की, तो जैसे जैसे हवा चलेगी हवा के वेग के साथ में वे भी चलती हैं, तो इस तरह से हम हवा को फील कर सकते हैं और देख नहीं सकते। वॉट इज एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण, यानी ये जो एयर है वो पॉल्यूटेड कैसे होती है। व्हेन एयर इज पॉल्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी इट इज़ नोन एज एयर पॉल्यूशन। जब हवा मानव की गतिविधि यानी हम इंसानों की गतिविधियों के कारण दूषित होती है तो पॉल्यूटेड ही होगी। सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप द एयर क्लीन, हमें इस एयर को क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। एज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस थिंग फॉर अस, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी और कीमती है। जैसे हवा जो है, हम कई ऐसी गतिविधियाँ करते हैं उससे हवा पॉल्यूटेड होती है। आजकल बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, मोटरसाइकिल हैं, उन सबसे धुआं निकलता है, तो ये सब मानव गतिविधियाँ हैं, इससे हवा दूषित हो रही है, पॉल्यूटेड हो रही है। और हम सभी का यही कर्तव्य होता है कि हम इसे स्वच्छ रखें और अच्छे से रखें। इसके लिए सबसे पहले हमें एयर पॉल्यूशन के रीजंस का पता करना होगा कि किस कारण से एयर पॉल्यूशन हो रहा है, बढ़ रहा है। उसके बाद हम यही पता कर सकते हैं कि अब हमें इसे कैसे रोकना है,
कैसे इसकी कंट्रोलिंग करनी है, और न केवल गवर्नमेंट बल्कि पूरे जो भी देशवासी हैं, हम सभी की ड्यूटी होती है कि हम एयर पॉल्यूशन को कम करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाउ इज़ एयर पॉल्यूटेड। वी ऑल नो दैट वी नीड टू ब्रीथ फ्रेश एयर टू सर्वाइव। इफ़ वी ब्रीथ इन पॉल्यूटेड एयर वी मे फॉल सिक। अगर हम दूषित हवा को ग्रहण करते हैं, यानी जब हम सांस लेते हैं वो दूषित वायु होगी, तो इससे हमें कई तरह की बीमारी हो सकती है, जैसे अस्थमा, सांस की बीमारी, लंग्स, फेफड़े आदि में रोग हो सकते हैं। इसलिए हमें फ्रेश यानी शुद्ध हवा का यो उपयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं द मेन कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के मेन कारण क्या क्या होते हैं? स्मोक एमिटेड फ्रॉम फैक्ट्रीज, यानी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं उसमें से जो धुआं निकलता है, ऑयल रिफाइनरीज हैं, जो बड़ी बड़ी ऑयल मिल्स होती हैं उनमें से, एंड वेरियस इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, जो बड़े बड़े औद्योगिक संस्थाएं होती हैं ना, उद्योग धंधे चलते हैं, वहाँ पे भी बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती हैं, उसमें से धुआं निकलता है, कल कारखाने होते हैं, तो वो क्या करता है, एयर को पॉल्यूटेड करते हैं। स्मोक एमिटेड बाय वेरियस मोटर व्हीकल्स, और जो बाइक वगैरह होती हैं, मोटर व्हीकल होते हैं, उसमें से भी जो धुआं निकलता है तो उससे भी एयर पॉल्यूटेड होती है। स्मोक कॉजेज बाय वेरियस डोमेस्टिक एक्टिविटीज सच एज कुकिंग ऑन स्टोव, बर्निंग वेस्ट मटेरियल। जो हमारी घर में हम काम करते हैं, तो गांवों में हमने देखा कई घरों में क्या चूल्हे जलते हैं, स्टोव जलाए जाते हैं, उससे भी क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। बर्निंग वेस्ट मटेरियल, यानी कई बार हमने भी देखा है कि आज लोग क्या करते हैं, अपने घरों का कचरा होता है उसको घर के बाहर वहीं जला देते हैं, तो वो गंदगी जलेगी, उससे क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा, और वो धुआं क्या करेगा, एयर में मिलके एयर को पॉल्यूटेड करेगा। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इन ओपन लैंडफिल्स, और जो भी डिस्पोजल वगैरह होते हैं, जो वेस्ट वगैरह होता है, उसका भी क्या करते हैं, खुली जगह पर ऐसे ही छोड़ देते हैं। ड्यू टू लार्ज एरिया विदाउट वेजिटेशन, डस्ट ड्यू टू लार्ज एरिया विदाउट वेजिटेशन, यानी जो मिट्टी वगैरह होती है वो भी बड़े बड़े जैसे खुले मैदानों में ऐसे ही होती है, अगर वहाँ पे वृक्षारोपण वगैरह होगा तो वो मिट्टी वहीं स्थिर रहेगी, अदरवाइज हवा के साथ वो उड़ती रहेगी, और हवा में उसके धूल के कण मिलने से वह भी क्या होती है, पॉल्यूटेड होती है। स्मोक फ्रॉम वाइल्ड फायर्स, जो बड़े बड़े जंगल होते हैं उसमें आग लगती, कई बार देखा होगा वाइल्ड फायर, तो उससे भी क्या होता है, धुआं निकलेगा, धुआं निकलेगा तो सीधा ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने से हवा दूषित होती है। तो इस प्रकार कई एक्टिविटीज़ हमारी ऐसी होती हैं जिनसे धुआं निकलता है, स्मोक होता है, और वह सीधा कहाँ जाता है, एयर में, और एयर को पॉल्यूटेड करता है। हाउ टू चेक एयर पॉल्यूशन, अब हम देखेंगे कि एयर पॉल्यूशन कैसे बढ़ रहा है, हमें इसको चेक करके रोकना है, इसकी रोकथाम करनी है। वी कैन कीप अवर सराउंडिंग एंड द एयर अराउंड अस क्लीन बाय अदरिंग टू द फॉलोइंग। फर्स्ट, थ्रो द गार्बेज ओनली इन अ कवर्ड गार्बेज बिन, जो भी घर का कचरा होता है उसे कहाँ फेंकना चाहिए, कवर्ड गार्बेज यानी डस्टबिन जो होते हैं ना, कवर्ड होने चाहिए, उसी में हमें फेंकना चाहिए। थ्रो द गार्बेज ओनली एट अ फिक्स्ड पब्लिक बिन, हमने देखा है हम कहीं पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, पार्क में, तो वहाँ पे भी डस्टबिन होते हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनीज होती हैं, वहाँ पे भी हर चार पांच घर के बाद में बड़े बड़े बिन रखे हुए होते हैं डस्टबिन, तो हम जो भी गार्बेज फेंकते हैं हमें फिक्स्ड प्लेस पे फेंकना चाहिए। अगर आप गार्डन में अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, जो भी वेपर्स है वो डस्टबिन में डालना चाहिए, घर का जो भी कचरा है वो भी डस्टबिन में डालना चाहिए, तो इससे क्या होगा, कचरा इधर उधर हवा में नहीं उड़ेगा। डोंट स्पिट हियर एंड देयर, इधर उधर थूकना भी नहीं चाहिए। डोंट बर्न गार्बेज इन द ओपन, यानी खुली जगह पे भी गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए। नेवर डिफिट इन ओपन, अरेंज प्रॉपर ड्रेनिंग ऑफ वाटर, और पानी का भी अच्छे से ड्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए। सो प्लांट्स मोर एंड मोर, अधिक से अधिक प्लांट्स हमें उगाने चाहिए, ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स, इससे एयर पॉल्यूशन कंट्रोलिंग होती है। Create awareness and concern among people regarding air pollution, यानी air pollution के सुझाव, awareness, जागरूकता
ये सब हमें लोगों को बतानी चाहिए कि एयर पॉल्यूशन के क्या नुकसान हो सकते हैं, हमें इसको दूर कैसे करना है, किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं। तो हमें लोगों में इसकी जागरूकता फैलानी चाहिए, क्योंकि हम सब ध्यान रखेंगे तभी हम अपने कार्य में सफल हो सकते हैं। तो हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कीपिंग द एयर क्लीन इज नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट अलोन। ऑल ऑफ अस शुड पे आवर पार्ट। वी शुड वर्क टुगेदर टू कीप द एयर एज वेल एज आवर सराउंडिंग क्लीन। देखिए, हवा को शुद्ध करना है, क्लीन करना है, तो यह केवल एक गवर्नमेंट की अकेली की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हमारा भी एक अहम हिस्सा है। इसमें हमें भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए और हमें एक साथ कार्य करना होगा ताकि हम एयर को क्लीन कर सकें, अपने आसपास को, अपने वातावरण को शुद्ध रख सकें। यदि हर व्यक्ति अपने आसपास वातावरण को शुद्ध रखेगा तो सारा अपने आप ही अच्छा और शुद्ध हो जाएगा, और इससे हम सभी को ही क्या है, फ़ायदा है। तो इस तरह से हम एयर को क्लीन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई डियर चिल्ड्रन, स्टे होम एंड स्टे सेफ।